हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। नया वीडियो आपको मिलता रहे इसके लिए जरूरी है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में बात करते हैं लैग कैनाइनम की। एक बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है जो किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। लैग कैनाइनम किस तरह से सिम्टम्स को प्रोड्यूस करती है उसको समझते हैं और अंत में देख लेंगे कि इस मेडिसिन को कैसे यूज किया जाए। छोटे से वीडियो में काम की बात समझ में आएगी, बस वीडियो अंत तक देख लीजिए। तो देखिए, जो लैग कैनाइनम है इसकी हिस्ट्री अगर देखा जाए तो पूरे होल बॉडी पर और होल लाइफ के सिम्टम्स हैं इसमें। जैसे मान लीजिए कि कोई एक बच्चा है, इसका पढ़ने में मन नहीं लगता, ठीक है, पढ़ने में मन नहीं लगता, तो अब होगा क्या कि अगर आप पढ़ते लिखते नहीं हैं तो अधिकतर संभावना बनती है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या रहेगा, कमतर रहेगा, बेहतर नहीं रहेगा, संभावना यही बनती है। तो अगर मान लीजिए ये बच्चा है अभी और बड़ा हो गया अभी, ठीक है, और अगर बड़ा हो गया तो फाइनेंशियली वीक है, अगर इसको कोई भी बीमारी होती है तो उसके इलाज के लिए उतने संसाधन अवेलेबल नहीं होंगे जितने होने चाहिए, तो दिक्कत क्या होगी कि इसको छोटी सी भी बीमारी भी लगेगा इनक्योरेबल है, और इनक्योरेबल है तो अब सीधी सी बात है कि मतलब घबरा जाएगा जल्दी से, पहले से दिमाग कमजोर है, एक समस्या भी आ गई, एक बीमारी हो गई और पैसा कम है तो आदमी घबरा जाएगा। ये भी घबरा जाता है लैग कैनाइनम का पेशेंट, इसको लगता है कि जो मेरी बीमारी है ठीक नहीं होने वाली है, उस पे से दिक्कत इस तरह से कि जब लेटता है तो बाएं करवट लेट ही नहीं पाता, बाएं करवट जब ही लेटता है दिक्कत बढ़ जाती है, सांस फूलने लगती है और उठ के बैठना पड़ता है, सांस लेना पड़ता है, और सांस लेना पड़ता है या उठ के बैठना पड़ता है या फिर चलना पड़ता है, और उसपे से स्थिति ए कि जब चलता है तो लगता है पैर जमीन पर पड़ ही नहीं रहे हैं, एयर में चल रहा है। तो इस तरह से जब बड़ा हो गया तो इकोनॉमिकली वीक है, कमजोर है, पैसा नहीं है, जब चलेगा तो लगता है कि हवा में चल रहा है, पैर जमीन से थोड़े से ऊपर है, ये सेंसेशन है पैर रहते जमीन पे ही है लेकिन उसको महसूस होता है कि गद्दे पर चल रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को अगर इनिशियल स्टार्टिंग रूप से ध्यान दिया जाए तो पढ़ने में बेहतर होंगे या फिर जीवन की जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने में कुछ बेहतर परफॉर्मर बनेंगे। जैसे देखिए, क्लियर कट सिम्टम्स लिखा है, कैन नॉट कंसंट्रेट द माइंड टू रीड स्टडी, मतलब कुछ भी, केवल साइंस या मैथ बायोलॉजी पढ़ना ही स्टडी नहीं होता, स्टडी मतलब अपने वातावरण के, अपने सोसाइटी में जो चल रहा है उसको पढ़ने में भी, किताबें सिर्फ पढ़ने में नहीं, जब बड़ा हो जाएगा तो सोसाइटी में जो टॉलरेट करना पड़ेगा, जो झेलना पड़ेगा उसको भी ठीक से पढ़ नहीं पाता, माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पाता, और डिस्पोंडेंट होपलेस, कोई अगर बीमारी हुई तो डिस्पोंडेंट निराशता हो जाता है, जैसे लगता है कि आशा की कोई किरण ही नहीं दिख रही है, और मेरी जो बीमारी हुई है उसकी जो बीमारी है लगता है कि इनक्योरेबल है, ठीक ही नहीं होगी, थिंक हर डिजीज इनक्योरेबल कुड बी एट एनी मोमेंट, जब उसको लगता है कि उसकी बीमारी इनक्योरेबल है तो कभी भी इमोशनल हो जाता है, रोने जैसे सूरत बना लेता है या इवन रोने लगता है जैसे पल्सेटिला और मेड्राइनम में। और हर लिखा है यानी बेसिकली क्या होगी, फीमेल जेंडर पे ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगी, फीमेल जेंडर में ज्यादा देखा जाता है, और इनक्योरेबल इसलिए है कि देखिए सो नहीं पाता है, यहां पे जो रीढ़ की बैक बोन है ना, जहां सिर के पीछे से स्टार्ट होती है और पीछे नीचे कमर में बीचों बीच में जाती है जहां पे कुर्सी पर आप बैठते हैं वहां तक, तो ये जो पूरी बैक बोन है इसमें अजीब सी स्टिफनेस रहती है, दर्द रहता है, तो इस वजह से भी सोने में इसको दिक्कत आती होगी और चलने में भी दिक्कत आ रही है।
देखिए सेंसेशन एज इफ ब्रेथ वुड लीव हर, यहां भी हर है। दिक्कत क्या है इसको कि जब सोता है तो लगता है कि अब सांस बंद हो जाएगी, रुक जाएगी, और यही जो सांस आ रही है यही अंतिम सांस है, तो इस तरह की स्थिति डेवलप हो जाती है। सेंसेशन एज इफ ब्रेथ वुड लीव हर व्हेन लाइंग डाउन मस्ट गेट अप एंड वॉक, यानी इसको लगता है कि लेटेंगे था सांस खत्म हो जाएगी, आना बंद हो जाएगी, इसलिए उठ के बैठ जाता है या फिर चलने लगता है। और चलते समय वही दिक्कत कि लगता है कि हवा में चल रहे हैं या फिर गद्दे पर चल रहे हैं, पैर जमीन पर पड़ ही नहीं रहा है। और पेल्पिटेशन वायलेंट व्हेन लाइंग लेफ्ट साइड सो नहीं पाता, अगर सोएगा तो धड़कन तेज बढ़ जाएगी या उठ के बैठना पड़ेगा या फिर एक बाएं करवट से कन्वर्ट होकर किधर आना पड़ेगा, दाहिनी तरफ आना पड़ेगा, तब थोड़ा आराम मिलता है। देखिए एम्बुलेट ऑन राइट साइड में जब आ जाएगा तो एम्बुलेट कर जाएगा, उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस होने लगेगा, आराम मिल जाएगा। और व्हेन वॉकिंग सीम टू बी वॉक ऑन एयर, हवा में जैसे चल रहा है। व्हेन लाइंग सीम टू बी, जब सो जाता है तब भी उसको लगता है कि बिस्तर पर सोया नहीं, बिस्तर से थोड़ा सा ऊपर सोया हुआ है। फीमेल सिम्टम्स में प्रेडोमिनेट करता है, इस वजह से यहां पे और सिम्टम्स की अगर बात करें तो जो वेजाइना है उससे फ्लैटस निकलता है, उसको फाइसोमेट्रा बोलते हैं, लाइकोपोडियम में भी ऐसा होता है। और बाएं करवट सो नहीं पाता, फास्फोरस का भी सिम्टम्स है। तो इस तरह के सिम्टम्स को ठीक करने के लिए लेग कैनानम दे सकते हैं। लेग कैनानम की 200 पोटेंसी आप ले लीजिए। चार बूंद सुबह जीप पर देना है, क्यों एक टाइम चार बूंद सुबह जीप पर 15 से 20 दिनों तक दीजिए। तो ये सब जो कुछ सेंसेशन है और कुछ सिम्टम्स हैं, इन सबको ठीक करेगा। तो काम की बात समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल प्लान तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आपने वीडियो देखा, थैंक यू।